के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुना है क्यूं? बाजीपाला में जान नहीं है पेड़ पौधों में जान नहीं इसलिए बाजीपाला खाना गलत नहीं है लेकिन जानवर खाना गलत है आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई हाँ हाँ जाकिर भाई हम जानते पेड़ पौधों में जान है लेकिन पेड़ पौधे उनको दर्द का एहसास नहीं है उन्हें दर्द नहीं होता पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुना है पेड़ पौधे खाना कम गुना है आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है तरक्की करने के बाद साइंस यही कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 20 थाउजेंड साइकिल्स के दरमियान फ्रिक्वेंस में सुन सकते इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकते वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है पेड़ पौधे को दर्द होता है लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ टू या थ्री सेंसेज है जानवरों में पांच सेंसेज है इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा होना है तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है दो सेंसेस कम के साथ वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है। गुंगा है और बहरा है जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कतल करता है तो क्या आप जाके कहेंगे जज से मीलॉड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गुंगा था बहरा था वो सुन नहीं सकता था बात नहीं कर सकता था आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो मेरा भाई तो मासूम था ना सुन सकता था ना बात कर सकता था अरे जनाब सब्जियां सब्जियां नहीं खाने अच्छा एक और बड़ी अजीब गरीब दलील और लाजिक पेश की जाती है तो इस तरह फिर आप दरख्तों को नहीं काट सकते आप सब्जियां नहीं खा सकते उनको भी तकलीफ होती है आप सुन नहीं सकते अरे खुद को डॉक्टर कहता है गदे के बच्चे तू कहता है मैं डॉक्टर हूं डॉक्टर ना ठीक है हम मान लेते हैं सब्जियों में एहसास होते हैं जज्बात होते हैं लेकिन क्या हम इस वजह से मान लें कि तूने कह दिया है जो बात की है उसे सच्चा साबित कर सब्जियों में एहसास जज्बात होते हैं या निबातात में एहसास तो जज्बात होते हैं यह तो बाद की बात है होते हैं या नहीं होते इसको तय करना पहले तो इस चीज का इलम होना चाहिए कि एहसास एह एह और जज्बात होते क्या हैं ठीक है एहसास होसास जज्बात जो है एहसासो जज्बात होते क्या हैं एहसासो जज्बात जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं किस से प्रोड्यूस होते हैं उन केमिकल्स से प्रोड्यूस होते हैं जो केमिकल्स निबातात बनाती हैं यानी तो जज्बात जिस मैटीरियल से बनते हैं वजूद में आते हैं निबातात उस मैटीरियल को बनाते हैं तो जिस मैटीरियल से एहसासा तो जज्बात बनते हैं वो मैटीरियल बना रहे हैं बना रही है निबातात तो निबातात में एहसास हो जज्बात आ कहां से गए गदे के बच्चे तू कहता मैं अकलमंद हूं दुनिया के तमाम के तमाम साइंटिस्ट जितने भी केमिस्ट हैं उनको चैलेंज है जो बायलॉजिस्ट हैं, उनको ये चैलेंज है आए अगर दुनिया की कोई ताकत ये साबित कर दे कि निबातात के अंदर फीलिंग्स होती हैं, तो जो सजा कहेंगे वह अहमदिसा भुगतने को तैयार है ठीक है फीलिंग्स जिससे प्रोड्यूस होती हैं जिससे वजूद में होती हैं पहली बात तो यह है कि फीलिंग्स जानदार जो शय होती है जो जानदार मखलूक होती है जो जान होती है उसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं, उसके अंदर पहली चीज ठीक है दूसरी चीज दूसरी चीज फीलिंग्स जिस मेटीरियल से जिस मवाद से यानी जिन केमिकल्स से प्रोड्यूस होती हैं वजूद में आती हैं वो केमिकल्स बनाती हैं निबातात निबातात फीलिंग्स का मैटीरियल बनाती हैं तो जब निबातात फीलिंग्स का मैटीरियल बना रही हैं फीलिंग्स उस मटीरियल ने आगे जाके फीलिंग्स में कन्वर्ट होना है तो निबातात के अंदर फीलिंग्स कहां से आ गई ये ये कहना जी साइंस ने भी ये साबित कर दिया या साइंस ने भी ये कह दिया कि जनाब निबातात के अंदर भी फीलिंग्स हैं तो जरा साइंस को कहो साबित करे हवा में बातें नहीं करे ठीक है क्यों कैसे साबित करना पड़ेगा हम यह नहीं कि हम जैसे कोई किसी यानी मुलाटों के मुलाटों से इंस्पायर हैं मुलाटों के नामों से एहसास कमरी का शिकार है अगर किसी ने अपने नाम के साथ शेख इलामा हज़रत या फलान लगाया हुआ है तो लोग एहसास कमतरी का शिकार होकर तो इस बुनियाद पर उसकी हर बात मान लेते हैं तो ऐसे ही एक बड़ी उन तदादुन लोग जो साइंस से इतने मुतासर हैं कि साइंस को बुत बनाया हुआ है अपना इला बनाया हुआ है जो भी साइंस के नाम पर उनको कहा जाएगा फौरी मान जाएंगे तो हम उन लोगों की तरह एहसास कमतरी का शिकार नहीं है कि हम साइंस के नाम पर कोई भी बात मान लेंगे साइंस के नाम पर अगर कोई चूरन बेचा जाता है तो मान लेंगे साइंस अगर साइंस के दावेदार ये कहते हैं निबातात के अंदर फीलिंग्स हैं तो सबसे पहले तो साइंस को ये बताना पड़ेगा फीलिंग्स होती क्या हैं फीलिंग वजूद में कैसे आती हैं फीलिंग जो है फीलिंग्स का माहज क्या है फीलिंग्स अख़ज कहां से होती हैं? किससे वजूद में आती हैं पहले तो साइंस को यह बताना पड़ेगा साइंस को तो यही नहीं इलम फीलिंग्स हैं क्या साइंस को जब यही नहीं इलम फीलिंग्स हैं क्या फीलिंग्स वजूद में किससे आती हैं तो साइंस है? हाक दावा करेगी कि नहीं बताते अंदर फीलिंग्स होती हैं हाक दावा करेगी तो यूं इस बुनियाद पर यह जो तुम लोगों की यह जो दलील थी कि सांस लेने से जर्म अंदर जाते हैं तो सांस में जो जर्म जाते हैं वो जर्म बॉडी की नीड नहीं है वो अंदर जाके फसाद करते हैं ठीक है तुम्हारी बॉडी को बतोरे रिस्क बतौरे खुराक बतौरे गुजा गजा किसी एक भी छोटी से छोटी भी लिविंग थिंग की जरूरत नहीं है ठीक है इसे अनासर की केमिकल्स की जरूरत होती है वो केमिकल्स वो अनासर जब बॉडी में जाते हैं बॉडी उनको प्रोसेस करके जान में होती है ठीक है ना ये तुम उल्लू किन को बना रहे हो ये तुम उल्लू बना सकते हो अपने जैसे उल्लूओं को ठीक है जिनको रोशनी अच्छी नहीं लगती जो रोशनी से डरते हैं जो रह, रहना ही अंधेरे में चाहते हैं जो रोशनी को देखकर जिनकी आंखें चंदे आ जाती हैं उनको तुम बेवकूफ बना सकते हो डॉक्टर नालायक अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो आ जरा अहमद ईसा को गलत साबित कर नहीं कर सकता